साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं। ये वैश्विक महामारी हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी करते रही। इतने बड़े संकट में हमारी सरकार ने मणिपुर का पूरा ध्यान रखा है। आज बड़ी संख्या में मणिपुर के हर गरीब, हर ट्राइबल परिवार को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, वैक्सीन लगी? सबको लगी? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? भाई, हमारी तो सोच यही रही है, हिल हो या फिर वैली, सभी जगह समान रूप से वैक्सीन लग रही है। आप कल्पना कीजिए, 2017 से पहले के बंद और ब्लॉकेड के दौर में ऐसी महामारी आती तो मणिपुर का क्या होता।